इस आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी वाली मॉडिफिकेशन। इसको करेंगे फुल लोड, इसमें सीट से लेकर और इंजन लाइट होगी कि और कौन कौन सी एंटॉर्क यहां पर आ रखी है। गाइस बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल है और ये आपके टीवीएस एंटॉर्क 125 एक्सटी एडिशन आपको दिखा दिए। देखो गाइस काफी 3D लुक आ रहा है, देखो काफी डिसेंट सा है। इसके अलावा गाइस यहां पर एंटॉर्क का बेस मॉडल है गाइस, इसमें भी आप देख सकते हो। सो गाइस ये बैकलाइट इसकी जो डैमेज हो गई थी यहाँ नहीं रुपए लगाई है, टक्के हजार भी है। इसके अलावा गाइस लगा रहे हैं इसमें हैंड ग्रिप जो कंपनी से लगी हुई आती है, वो आती है इस तरीके की। आप लगा रहे हैं गाइस ये वाली, ये देखो कहना चाहूंगा, ये आपके DRL स्ट्रिप्स जो कि यहाँ पर लगती है। अगर आप गाइस ये एक्स्ट्रा इंडिकेटर है, यानी कि इसमें DRL भी होते हैं प्लस इंडिकेटर पे चलते हैं ये येलो। इसमें हॉर्न भी लगाने वाले हैं, तो वाइजर जो कि मेटल में है ये ब्लैक के ऊपर लगेंगे, व्हाइट कलर के या जो सब कलर का आप चाहो वो इसके ऊपर से लग जाते हैं कुछ। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं कोस्ट आपका दोस्त ले आपके लिए कोने टॉपिक कोने वीडियो एंड नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल। जैसा कि आपने सिनेमैटिक में देखा, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सी पर मॉडिफिकेशन की वीडियो। और ये जो वीडियो होने वाली है ये है फुल लोड, इसमें सब कुछ कर रहे हैं ऐड जो कि आपने सिनेमैटिक में देख ही लिया है गाइस। इस तरीके की मॉडिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो देखने के लिए वीडियो को, और अगर आपके पास कोई और स्कूटी है तो उसको भी लाके आप इस ऊपर मॉडिफाइड करा सकते हो गाइस। अदरवाइज लास्ट में हमने डाल रखी लोकेशन शॉप पर आने के लिए। प्राइसिंग वगैरह के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सिनेरियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे टीवीएस एंटॉर्क रेस एक्सपी वाली मॉडिफिकेशन और ये है फुल लोड। सो गाइस इसको करेंगे फुल लोड, इसमें सीट से लेकर और इंजन लाइट हो गया, हैंड गार्ड हो गया, जो एक्सेसरीज एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको दिखा दूँ कि और कौन कौन सी एंटॉर्क यहाँ पर आ रखी हैं इस समय मॉडिफिकेशन में। देखो ये गाइस बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल है और ये आपके टीवीएस एंटॉर्क 125 एक्सटी एडिशन, जिसमें न्यून कलर के ग्राफिक आप लोग देखने को मिल जाते हैं और जिसका मीटर कंसोल है बिल्कुल चेंज कर दिया गया। आप लोगों ने बाखूबी देख रखा होगा पहले से, बट एक बार शॉप पर आइए तो मैं एक बार आपको दिखा दूँ। ये देखो गाइस काफ़ी 3D लुक आ रहा है, देखो काफ़ी डिसेंट सा है और काफ़ी अलग इस बार इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है गाइस। इसमें भी करने वाले मॉडिफिकेशन, इसकी अलग वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, या आ गई होगी या फिर आने वाली होगी। और एंटॉर्क मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा गाइस एक यहाँ पर एंटॉर्क का बेस मॉडल है गाइस, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें जो इसकी ओरिजिनल पार्ट्स थे वो लगाए गए हैं, इसकी जो बैकलाइट थी उसको चेंज किया गया। ये देखो जिसका ये वाला पार्ट था ना, सो गाइस ये बैकलाइट इसकी जो डैमेज हो गई थी तो यहाँ नहीं रुपये लगाई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई आपको ओरिजिनल पार्ट चाहिए एंटॉर्क का जो बिल्कुल A to Z ओरिजिनल आता है, जैसे कि ये वाले साइड पैनल्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये चाहिए या फिर ये चाहिए हेडलाइट चाहिए, या अगर आपको बेस मॉडल में रेस एडिशन वाली हेडलाइट लगवानी हो, या फिर अगर आपको बेस मॉडल को किसी एवेंजर वाले एडिशन में कन्वर्ट कराना हो, डैकल किट लगवानी हो, तो वो काम भी ईजिली हो जाते हैं गाइस। सो इसकी वीडियो तो मैं आपको बता चुका, मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, इस पर भी काम चल रहा है, या फिर इसकी वीडियो आ चुकी होगी या फिर गाइस आने वाली होगी। बात करते हैं अपने एक्सपी वाले एडिशन की, इस पर क्या लगाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। इंटेक के हजार भी है इसके अलावा गाइस, जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलते हैं, यानी कि चारों इंडिकेटर आपके जलेंगे, वो भी 40-50 तरीके के डिज़ाइन में अलग अलग, वो भी बिना किसी तार कटिंग के, ऐसे डिज लग जाएगा आपकी गाड़ी में। इसके अलावा गाइस लगा रहे हैं इसमें हैंड ग्रिप जो कंपनी से लगी हुई आती है, वो आती है इस तरीके की। आप लगा रहे हैं गाइस ये वाली, ये देखो ये कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं, जो कि काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो एंटॉर्क रेस एक्सपी थी इसमें क्या क्या चीज़ें लगाने वाले हैं। देखूँगा ये आपके DRL स्ट्रिप्स जो कि गाइस सीट की कुछ यहाँ पर लगती है, अगर आप लगवाना चाहो, वैसे तो कहीं भी लगवा सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर लगती है, बट ये इस कॉन्सेप्ट पे लिया जाएगा। इसको यहाँ पर लगाएंगे जिसमें सीट जब बंद रहेगी ना, जब यानी कि सीट को आप बैठोगे तो काफ़ी 3D लुक आएगा, और जब चलेगा इस तरीके से रनिंग में चलेगी। काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा फाइनल होने के बाद। इसके अलावा गाइस ये एक्स्ट्रा इंडिकेटर हैं जो कि आपके जो रिफ्लेक्टर्स आते हैं ये वाले, इसकी जगह पर ये लग जाएंगे गाइस, और ये ड्यूअल कलर में होते हैं, यानी कि इसमें DRL भी होते हैं प्लस इंडिकेटर पर चलते हैं ये येलो। इसके अलावा गाइस इसमें हॉर्न भी लगाने वाले हैं, इसका काफ़ी डिसेंट सा साउंड होगा, फालतू भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। सो गाइस नेक्स्ट है ये है गाइस MT15 वाला वाइजर जो कि मेटल में है, ये ब्लैक इसका जो नीचे का लेयर रहता है ब्लैक रहता है, इसके ऊपर लगेंगे व्हाइट कलर के या जो कलर का आप चाहो वो इसके ऊपर से लग जाते हैं कुछ इस तरीके, जो कि आपने काफ़ी सारी वीडियो मेरी देखा ही होगा, तो ये प्रॉपर है इसका। और देखो गाइस इसमें जो DRL लगने का प्रोसेस था वो शुरू हो चुका है, ये देख सकते हो गाइस, ये देखो। इसके अलावा गाइस लगा रहे हैं बार एंड लाइट जो कि यहाँ पर लगेगी इस जगह पे, ये देख सकते हो आप, जो कि काफ़ी आपने बाइकों में गाड़ियों में देखी होगी, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके की होती है, ये देखो गाइस। इसके अलावा लगा रहे हैं हार्लेशल इंडिकेटर, जैसे ये हार्लेशल इंडिकेटर का नाम मैंने खुद दे रखा है ताकि आप लोगों को ईजी हो बात करने के लिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, अगर आप शॉप पर आते हो या अगर आप कॉल करके बात करते हो व्हाट्सअप करते हो, तो इसका नाम दे रखा है मैंने हार्लेशल इंडिकेटर, जो कि आपका ये वाला पार्ट होता है यहाँ से हटकर, और गाइस ये इस जगह पे लग जाएगा। इसमें दो कलर आपको मिल जाते हैं, एक ब्लू मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, और गाइस इंडिकेटर पे आपका ऑफिशियली येलो ही रहता है, ये देख सकते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस ये हैं LED, इससे आपकी बैटरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बात की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। सिमटेक का हज़ार लगा रहा है जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलेंगे, यानी कि चारों इंडिकेटर चलेंगे आपके 40-50 तरीके के डिज़ाइन में और बिना किसी तार कटिंग के,
प्लग एंड प्ले फिटिंग, कपलर टू कपलर, कोई किसी भी तरीके की तार नहीं कटने वाली, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटी है ये, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चाहे आपके पास गाड़ी एक दिन पुरानी हो या एक साल। सो ये उसका हेडलाइट आता है DRL, जो कि काफ़ी अलग अलग कलर के चलते हैं, आप चाहो तो किसी एक कलर पे भी सेट कर सकते हो। सीट इसकी निकाल रखी है, उस पर लग रहा है कवर, कवर भी मैं आपको दिखा दूंगा। और गाइस उस साइड में जो आपका इंजन का जो पंखा होता है, ये देखो ये वाला, इसमें लगाएंगे इंजन लाइट, जिसे लावा लाइट के नाम से काफ़ी फेमस कर रखा है गाइस, तो ये भी लगाने वाले हैं। और इसके अलावा गाइस इसमें LED बल्ब लगाएंगे, ये देख सकते हो, ये हैलोजन बल्ब लगे हैं, LED बल्ब लगाएंगे। सो गाइस देखो ये वाले LED बल्ब लगाने वाले, जो काफ़ी डिसेंट से हैं, और ये बैटरी पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालते। सो गाइस इसके अलावा कुछ और भी होगा तो मैं आपको दिखाई दूंगा फाइनल होने के बाद, अभी सारी चीज़ें कर लेता हूँ कंप्लीट और फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल पे, बिफोर एंड आफ्टर आपको आइडिया हो सके कि मॉडिफिकेशन से पहले आपकी गाड़ी कैसी लगती है और मॉडिफिकेशन के बाद कैसी लगती है, तो ये आपके सामने है गाइस। सो फाइनली गाइस मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट, और मॉडिफिकेशन होते होते काफ़ी हो गई रात, क्योंकि जो काम होते हैं इसमें काफ़ी छोटे मोटे काम होते हैं जिनको फिनिशिंग देने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो देरी ना करते हुए करता हूँ इसकी इग्निशन ऑन और आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस फ्रंट से, फ्रंट में जो यहाँ लगा रखा है, ये लगा रखा है MT15 वाला वाइजर, जो कि मेटल में है, प्लास्टिक में नहीं है, डबल कलर है, इसको बेसिकली मैंने नाम दे रखा है बटरफ्लाई वाइजर। जो इसके स्टॉक मिरर थे इस पर कर दिए कार्बन फिनिश की रैपिंग, चेंज नहीं की है, कार्बन फिनिश का टच दे दिया, कार्बन फिनिश और यहाँ पर जो लगा रखी है वो है विंगलेट, जो कि ये भी है कार्बन फिनिश के साथ, ही देख सकते हो आप। बात करते हैं हेडलाइट के DRL की, DRL में काफ़ी सारी वीडियो आपने हमारी देखी होंगी जिसमें हमने रिमोट कंट्रोल वाले लगा रखे थे, बट इसमें क्या है, इसको सिंपल रखा गया, यानी कि सिर्फ स्कूटी के कलर से मैच करते हुए ओनली फॉर रेड। अब अगर आप इसकी चाबी ऑफ करो या फिर ऑन करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बार बार कलर चेंज करने की कोई चिंता करने की बात नहीं है। अदरवाइज आप कलर चेंज करने वाला भी लगवाते हो तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं, उसमें एक बार आपको सेट करना होता है बस, तो उस पर भी वही सेट रहता है, ये करता है डिपेंड आपकी मर्जी पर। जब आप चाबी ऑन करते हो तो साथ ही में इसके जो हार्लेसल इंडिकेटर है तो ये भी रेड है, इसमें ब्लू भी मिल जाएंगे और वाइट भी मिल जाएंगे, लेकिन जब आप इंडिकेटर देते हो ना तो गाइज फिर ये येल्लो है। ये देखो गाइज जो इसका DRL है ना, ये ट्रेंगल वाला, तो ये येलो स्टाइल में चलता है, और अगर मैं इसका हैजार्ड ऑन करूं तो ऐसा आप देख सकते हो, और दूर से ये फुल्ली प्रेजेंटेशन वाली आपकी जो है स्कूटी बन जाती है, दूर से फुल्ली विजिबल है, मतलब पता चलेगा कि हाँ कोई गाड़ी आपके सामने से आ रही है। तो ये तो हो गई इसकी फ्रंट की, इसके अलावा फुल बॉडी को कर रखा है लेमिनेशन करते हुए, फिटिंग करते हुए इसलिए नहीं दिखा पाता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है गाइस, बाकी फिनिशिंग अगर आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि लेमिनेशन हो भी रखी है या फिर नहीं हो रखी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये लगा रखे बार एंड लाइट्स, जिसमें आपको ब्लू और नॉर्मल जो येलो वाला आता है तो उस तरीके का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस यहाँ पर लगा रखी हैंड ग्रिप जो कि रेड और ब्लैक के हिसाब से मैच की गई है प्रॉपर, ये देख सकते हो आप, और इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हाई है, और ये देखो कितनी अट्रैक्टिव चीज़ है DRL। तो ये है इसका DRL जो कि हैजार्ड पे कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखो जब आपसे बैठोगे ना आप तो काफ़ी 3D वाला लुक आने वाला है यहाँ से देखो, और अगर आप हैजार्ड बंद करते हो और लगाते हो ब्रेक तो ये देखो, लगाना ब्रेक एक बार भैया दूर से, मैं दिखाता हूँ दूर से आप लगाओ ब्रेक, ये देखो इंडिकेटर, ये देखो गाइस जितनी बार आप ब्रेक को लगाओगे ना उतनी बार इसकी पैटर्न भी हल्के हल्के चेंज होते रहते हैं। देखो इसमें 3D इफेक्ट के साथ आ रहा है, देखो एकदम सी लाइनिंग आ रही है और जा रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है रात के समय में, ये देखो। और ऐसे अगर आप छोड़ोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ पर कुछ लगा रखा, प्लस ये होती है वाटरप्रूफ, आपकी बैटरी पे किसी भी तरीके का इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है गाइस, पहले बता दूं मैं आपको। सीट को जो है पूरे तरीके से चेंज नहीं किया गया, सिर्फ इसका कवर लगा दिया गया जो कि ब्लैक और रेड के साथ है, काफ़ी मैच होता हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपल बट डिसेंट। ब्लू एंड रेड कलर की इंजन लाइट, जब गाड़ी चलेगी तो और ही अच्छा लुक आने वाला है, साइड वाला जो आपका राइडर चल रहा होगा ना वो एक बार तो जरूर देखेगा क्या चीज़ है, यहाँ से देख सकते हो आप। सो गाइस यहाँ भी आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्टर्स लगे आते हैं यहाँ पर लगा रखे हैं एक्स्ट्रा इंडिकेटर, जो कि आप ब्रेक लगाओगे तो रहेगा ब्लू, और इंडिकेटर जब आप दोगे तो गाइस ये हो जाएगा येलो। इंडिकेटर देना एक बार, ये देखो गाइस हैजार्ड ऑन करता हूँ इसका, अब आप देख सकते हो इस तरफ से हैजार्ड लगा रखा, सिमटेक के हैजार्ड सिस्टम डाला हुआ है जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलते हैं, और पैटर्न को चेंज करने के लिए आप इस स्विच को लेफ्ट राइट बीच में प्रेस करते हो पैटर्न हो जाते हैं चेंज। और गाइस इसके अंदर लगा रखे हैं LED बल्ब, क्योंकि हेलोजन का फोकस और ब्राइटनेस होती नहीं है, ब्लिंक करने की टाइमिंग होती है बहुत स्लो, तो उस केस में यहाँ पर आप LED बल्ब को यूज़ कर सकते हो, और ये भी बैटरी को बहुत कम यूज़ करते हैं देखेंगे। सो गाइस यहाँ पर लगा रखी है स्टॉप लाइट जो कि आप देख सकते हो, सो गाइस ये देख सकते हो आप यहाँ पर स्टॉप लाइट लगा रखी है, जैसे जैसे आप ब्रेक दबाओगे वैसे वैसे इसका जो है पैटर्न भी इसके चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर BMW वाले ग्राफिक लगा रखे हैं, ये देख सकते हो। फ्रंट में अगर आप देखोगे यहाँ टायर का जो मेन नट होता है इस पर लगा रखे हैं फोर्क स्लाइडर, जैसे सोकर प्रोटेक्टर कहते हैं, इनकेस कभी अगर स्कूटी गिरती है तो आपके ये वाला पार्ट्स डैमेज नहीं होता, सेफ रहता है, लुक हो जाता है एनहेंस, कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको, ये होते हैं मेटल में गाइस।
बाकी सारी एक्सेसरीज मैंने आपको दिखाई दी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैट भी लगा रखा है गाइस, ये आप तो ये भी एक चीज़ रह गई थी। बाकी बहुत सारी वीडियो आपको पता ही है मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी गाइस, ये थी आपकी टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सट्री वाला एडिशन। सो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही थी आपकी टीवीएस एंटॉर्क 125। अगर आपके पास कोई और एडिशन है नया वाला तो उसकी मॉडिफिकेशन भी आप सेम टू सेम करा सकते हो, इससे ज़्यादा भी करा सकते हो। एंटॉर्क के अलावा अगर आपके पास कोई और स्कूटी है उस पर भी आप सेम टू सेम एक्सरसाइज करा